आपका घुटना कितना मुड़ रहा था पहले वो दिखाइए, जब आप मेरे पास आए थे तब कितना मुड़ता था? इतना मुड़ता था सर। इतना मुड़ रहा था, और दूरबीन के इलाज के बाद अब कितना मुड़ रहा है? हेलो दोस्तों, ऑपरेशन के बाद किसी भी वजह से अगर घुटना जाम हो जाए तो उसके लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनका घुटना जाम हो गया था और दूरबीन से हमने खोला है, तो आइए इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? परदेसी राम। परदेसी राम, आप कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आपको घुटना जाम कब से हो गया था? 8 महीने पहले सर। क्या दिक्कत हो गई थी आपको? चलने फिरने रनिंग वनिंग करने में दिक्कत आ रही थी। बैठने आपका घुटना जाम कैसे हो गया था? 2 महीने प्लास्टर लग गया सर, बेड रेस्ट करना पड़ा मेरे को, उसी में मेरा घुटना जाम हो गया था। मतलब आपको कोई चोट लगी थी और डॉक्टर ने 2 महीने के लिए प्लास्टर लगा दिया था? डॉक्टर ने 2 महीने के लिए प्लास्टर लगा दिया था, चोट लगा था। तो आपने जब प्लास्टर खोला उसके बाद आपने कोई कसरत या भेड़ के दूध या सांडे के तेल की मालिश ऐसा कुछ किया था? वैसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ मैं एक्सरसाइज बस किया। तो आपको एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं हो रहा था क्या? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सर, 90 डिग्री तक मुड़े, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपने वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को किसी को दिखाया था, उनकी क्या राय थी? मैं फिजियोथेरेपी नहीं करवाया सर, न सीपी मशीन करवाया, मैं सीधा आपका वीडियो देखा तो आपके यहाँ सीधा यहाँ जयपुर आ गया मैं। तो आपको इतनी दूर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर काफ़ी दूर है और आप ज़्यादा मतलब इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी नहीं थे, तो आपको कैसे मुझ पे इतनी दूर से विश्वास हो रहा था? यकीन ऐसे हुआ सर कि देखिए हमारे जिला के जस्ट आगे कोरबा जिला से आया था संजीव पटेल, उसका वीडियो देखा मैं, मेरे को विश्वास हो गया कि भाई जब अपना ही छत्तीसगढ़ का लड़का गया है तो क्यों ना हम डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर नवीन सर के साहब पास, और अपना सही से इलाज कराएँ। इसी नाम से हम कहीं फिजियोथेरेपी नहीं कराए, नसीबी मशीन का उपयोग भी नहीं कराए हम। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही समझदारी का डिसीजन लिया कि किसी तरह का चूर्ण चटनी, पहलवान से मालिश, सांडे का तेल, गाय का तेल, गाय का दूध, इस प्रकार की फालतू की चीज़ों में इन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं किया। कई लोग पहलवान के पास जाते हैं, मालिश कराते हैं, सीपीएम मशीन भी इतने ज़्यादा कई लोगों को रिजल्ट नहीं दे पाती। जब ये मेरे पास आए तो आपका घुटना कितना मुड़ रहा था पहले वो दिखाइए, जब आप मेरे पास आए थे तब कितना मुड़ता था? इतना मुड़ता था सर। इतना मुड़ रहा था, और दूरबीन के इलाज के बाद अब कितना मुड़ रहा है? अब लगभग लगभग पूरा ही सट गया है। तो कितना आपको दिक्कत हुआ घुटना मुड़ने में यहाँ पे? मेरे को पता नहीं चला सर, घुटना मुड़ने में पता नहीं चला, बड़ा मूवमेंट आ गया मेरा। आप सेटिस्फाइड हो यहाँ पे जो इलाज हुआ? एकदम बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ के, रायपुर के, कोरबा के, बिलासपुर के, वहाँ के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं यह कहूँगा सर, आँख बंद करके सीधा यहाँ जयपुर आ जाए, डॉक्टर नवीन सर के यहाँ अपने इलाज कराए। दोस्तों, अगर आपको घुटना जाम है या बार बार कंधा उतरता है या फिर ACL की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अस्पताल है वो 2 चीज़ों में खास रहेगा। यहाँ की जो क्वालिटी है वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बेटर रहेगी, और यहाँ के जो चार्जेज है वो सरकारी अस्पतालों से भी कम रहेंगे। आप यहाँ पे नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है परदेसी राम जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।